ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, फैट यानी टायर बना हो, कब्ज यानी आंतों की सिकुड़न की वजह से कब्ज हो जाती है, या नाभि चक्कर आगे पीछे हो, ये तीन चीजें तो परफेक्टली इससे बहुत अच्छा क्योर होगी। तीसरा आपकी रीढ़ की हड्डी, चौथा आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूत करेगा ये, आपको एक एनर्जी देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ का फैट हमेशा हमें लेजीनेस देता है, हमेशा आलस्य देता है। ये आलस्य यहाँ से जब ये खत्म होगा तो आलस्य भाग जाएगा, काम करने का मन करेगा, पाओं में ताकत आएगी। मूल बात तो ये है कि यहाँ के ये पाओं में ब्लड का सर्कुलेशन हम नहीं भेजते हैं, ये इन आसनों से इन पाओं में ब्लड का सर्कुलेशन आ जाएगा, बहुत अच्छी ताकत आएगी। लिम्फ नोड्स की ये जगह है, तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जब हम इन पाओं को यहाँ से खींचते हैं तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी हमारी। सिंपल सिंपल कुछ आसन बता रहा हूं आज मैं आपको। तो ये हमारा नौकासन हो गया, नौकासन एक बार और देख लीजिए, श्वास भरते हुए इस तरीके से। नौकासन में बहुत सारे रूप है, ऊपर भी होते हैं, अंगूठे भी पकड़ लेते हैं इस तरीके से, लेकिन ये एकदम सिंपल, पैर उठाना है, हाथ उठाना है और इस तरीके से यहां रुकना है, बस श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। देखने में आसान लग रहा है, होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर आपको नहीं होता है तो कोई रस्सी ले लीजिए, पाँव के अंदर डाल के थोड़ा ऐसे उड़ जाइएगा, एक बार पहले दिन इतना उड़ जाइएगा, कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, पेट की आंतें मजबूत हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हमारा तीन नंबर आसन हो गया है। अब ये तीन तो हमने ऊपर उठाने के किए, तो अब कमर के ऊपर थोड़ा जोर आया, तो कमर को यानी काउंटर देना है। काउंटर कैसे देंगे, ये पाँव को पास में, और इसको कहते हैं सेतुबंधासन। सेतुबंधासन जस्ट इन तीनों का उल्टा, श्वास भरते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाना, ये सेतुबंधासन। इसको देखिए, करने के बहुत तरीके हैं। शुरू शुरू में इस पैर को एकदम से नजदीक ले आइए, शुरू शुरू में आपसे इतना ही उठा जाएगा, कई लोगों से, कई जो बहुत अच्छे योगी हैं वो तो ऊपर तक आते हैं, लेकिन जो आराम से जो घर पे रहने वाले हैं, नहीं करते हैं योग, वो इतना उठ जाए तो भी बहुत है। तो इतना भी उठ गए कोई बात नहीं, इतना उठने में भी आधा आधा मिनट रुक गए ना तो पाँव कांपने लग जाएंगे, इतना उठ गए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हो गया, थोड़ा और उठ जाइए, अगर और प्रैक्टिस है तो और उठ जाइए, और प्रैक्टिस है तो हाथ की ये देख लीजिए कि हाँ कमर ऊपर आ गई है हाथ से, और पाँव के टखनों को, एंकल्स को पकड़ के, और जितना आप कंधे को अंदर की ओर नीचे खींच सकते हैं, और ऊपर की ओर जितना गर्दन कमर को ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाना। ये स्थिति क्या करती है, ये यहां से ये पूरी नसों को खींचेगी और घुटने तक पूरी एक ताकत देगी, हिप्स के ऊपर पूरा खिंचाव देगी, और बहुत अच्छा हमें फील होगा। ये उसका काउंटर भी है, पहले जो तीन किए हैं उनका ये काउंटर भी है। तो अगर पहले वाले में आगे झुके हैं तो ये पीछे झुककर उसके ब्लड का सर्कुलेशन को बैलेंस कर देगा। श्वास भर देंगे और रिलैक्स करना, एकदम रिलैक्स। ये भी मैं दो बार बता रहा हूँ, बाकी आप तीन बार कर सकते हैं, तीसरे दिन, पहले दिन एक बार ही करना है। अब जो पांचवा आसन है